भारत समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। 5 जुलाई को मोदी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है और इस बार बजट निर्मला सीतारमण यानी कि देश की महिला वित्त मंत्री करेंगी और लिहाजा हर वर्ग की तरफ से बजट कैसा हो इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबको उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से और सभी ये चाहते हैं कि इस बार का बजट आम लोगों के लिए अच्छा हो, आम लोगों के लिए हित वाला हो और आम लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया जाए। इसीलिए आज हम एक घर में जाने वाले हैं और घर के अंदर जाएंगे, रसोई में कितना असर पड़ेगा बजट का, अभी तक रसोई का काम कैसा चल रहा है, रसोई में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती है या फिर जो महंगी हैं और बजट के बाद वो रसोई की चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी, कितनी आसान हो जाएंगी, कितनी उम्मीदें गृहिणियों को है, कितनी उम्मीदें घर की महिला को है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, क्योंकि महिला वित्त मंत्री है और लिहाजा महिलाओं की उम्मीद बढ़नी लाजमी है और जब महिला वित्त मंत्री है तो महिलाएं भी ये सोच रही हैं कि महिला होकर निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री महिलाओं के दर्द को बखूबी समझेंगी, बखूबी जानेंगी और महिलाओं के दर्द को ध्यान में रखकर ही, क्योंकि एक घर का बजट घर की महिलाएं ही तय करती हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में क्या बदलाव करें ये जानने के लिए घर के अंदर एंटर करते हैं और रसोई के अंदर जाकर गृहिणियों से पूछते हैं और जानते हैं कि उनको कितनी उम्मीद है महिला वित्त मंत्री से। चलिए हम रसोई घर में मौजूद हैं, किचन में हम मौजूद हैं, किचन में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो वित्त मंत्री को कम कर रही होंगी, जिनके दाम जिनको बढ़ाना होगा, हालांकि बढ़ाने के लिए तो कोई सुझाव वित्त मंत्री को नहीं मिलेंगे, लगातार सुझाव यही है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर कमी आए और वो कमी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लानी होगी क्योंकि वो एक महिला है और महिलाओं का दर्द उनसे बेहतर कोई नहीं समझता और इसलिए रसोई घर में मौजूद है, किचन में, और यहाँ की जो गृहिणी हैं, जो महिलाएँ हैं, जो महिलाएँ अभी तो फिलहाल हमारे साथ थे, रितु जी घर की गृहिणी हैं, इनसे ही हम समझेंगे कि आखिर उनको क्या उम्मीद है वित्त मंत्री से, वो क्या चाहती हैं। अभी तो हालांकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जब 5 जुलाई को बजट पेश होगा तो वो किस तौर पर बजट को देख रही हैं और उनको उम्मीद है क्या वित्त मंत्री से कि वो थोड़ी बहुत कमी करेंगे बजट में। रितु जी, सबसे पहले बजट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे सेंटर में जैसे सरकार होते हैं उसके पास फंड्स होते हैं, फाइनेंसेस होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि किस किस सेक्टर में कैसे हमें खर्च करना है। उसी तरीके से घर का जो बजट या फाइनेंस होता है, हम हाउसवाइफ जो होती हैं वो मैनेज करती हैं, मतलब हम जैसे हमें लिमिटेड जो भी पैसा मिलता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना खर्च करना है, राशन में कैसे क्या कहाँ पर खर्च करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो नेचुरल बात है, जब भी बजट की बातचीत होती है तो सबसे पहली जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो यही होता है कि हाँ महंगाई थोड़ी, जब महिला वित्त मंत्री हो लिहाजा तो और तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जरूर दिमाग में आता है कि वो महिला हैं तो जरूर समझेंगी कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है घर चलाने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें देखने में, तो जरूर ये दिमाग में रहता है कि वो जरूर। और महिला वित्त मंत्री होने से उम्मीदें ज्यादा इस बार और बार की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम महिलाएं हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि जब वो महिला हैं तो खासकर उनको पता होगा कि एक महिला की जिंदगी में भले वो करियर ओरिएंटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन घर समाज या घर के खर्चे या सारी चीजें, बच्चे देखना, पढ़ाई लिखाई देखना, वो सारा हम पे आता है। तो नेचुरल सी बात है कि हमें जरूर एक्सपेक्टेशन है कि वो समझेंगी कि ये छोटी छोटी चीजें घर की, चाहे वो सब्जी से लेकर तेल से लेकर बाकी सारी चीजें हैं, वो बहुत फर्क डालती है हाउस होल्ड पर। तो जरूर अभी आप क्या करने जा रही है रितु जी, क्या बनाने जी जैसे कि इस समय यूजुअली घर पर यही होता है कि दिन का खाना बन रहा होता है, तो अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ घर के लिए, बच्चों के लिए, तो उसी की शुरुआत करने। पनीर की सब्जी, और पूछना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पनीर भी तो कितना महंगा है और पनीर, प्याज, एक सब्जी बनाने में आप जरा सोचिए, एक सब्जी बनाने में किन किन चीज़ों को लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, उनको डालना पड़ता है, तब जाके जो सब्जी है वो टेस्टी बनती है। बिल्कुल, और लाने के लिए बजट बहुत तगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे आप बोल रही थी कि एक सब्जी बनाने के लिए, चाहे वो तेल से लीजिए, चाहे सिलेंडर आप लो, चाहे सब्जियाँ लो, पनीर लो, मतलब सारी चीज़ें महंगी, दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं, और एक चीज़ बनाने के लिए भी आपको ढेर सारे आइटम्स इकट्ठा करने पड़ते हैं, जो कि बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे बजट पर, फाइनेंस पर, अगर हम देखें एक चीज़ को। और प्याज आपने हाथ में पकड़ा हुआ, प्याज कितने रुपये किलो अभी? अभी तो 20 रुपये किलो चल रहा है। कम होना चाहिए कि ठीक है प्याज? ठीक है, नहीं बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि जब सारी सब्जी, एक सब्जी से तो खाना बनता नहीं है, तो सारी सब्जियां जब मिलाकर आप देखते हो ना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो नेचुरल बात है हम उम्मीद। पनीर की सब्जी बना रही है, टमाटर है यहाँ पर, टमाटर देखिए, टमाटर को लेकर भी उनका कहना है कि टमाटर प्याज बहुत महंगा है सब कुछ,
थोड़ा सा कंट्रोल इस पर होना चाहिए। पनीर मिडिल क्लास फैमिलीज या फिर लोअर क्लास की जो फैमिलीज हैं वो कई दफ़ा सोचती हैं कि भैया पनीर खाएं, हफ्ते में एक बार खाएं कि ना खाएं, क्योंकि महंगा बहुत है। दूध है, रसोई में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ज़रा पहले तफ्तीश से आप देखिए, क्योंकि अदरक फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, सब्जियाँ हैं और दाल वगैरह है। मैं चाहूँगी देखिए पूरा स्टैंड है और इस स्टैंड को लेकर भी महिलाओं के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। और ये देखिए दाल वगैरह सब इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। दाल है, दाल कितना महंगा, दाल जो दाल वगैरह उनको लेकर भी चाहती है कि थोड़ा सा कम हो, बहुत महंगा। बिल्कुल, क्योंकि घर में यूजुअली अरहर की दाल बनती है जो कि इस समय में ख्याल से 120 रुपए किलो चल रही है, जो कि बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये रोज़ का मतलब ये चीज़ है जो रोज़ बननी ही बननी है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसकी महंगाई से हम पे। देखिए जो भी पैसे हमें मिलता है ना लिमिटेड मिलता है, तो उसी में हमें देखना होता है। देखिए आपकी सैलरी हो या जो भी आपका इनकम का सोर्स हो, वो आपको महीने में एक बार मिलता है और उससे आपको पूरे 30 दिन चलाने होते हैं खर्चा, तो वो हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से, कि कितना हमारा राशन पे जा रहा है, कितना बच्चों की फीस पे जा रहा है, कितना पेट्रोल में जा रहा है हमारा, कितना बाकी खर्चों में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हिसाब बैठाना आपकी लिमिटेड सैलरी है उसके हिसाब से मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। सिलेंडर हो, सारी चीज़ें हों, तो बड़ा सोच समझ के हमें कई सारी चीज़ों पर कटौती करनी पड़ती है। स्पेशली जो हम चाहते हैं कि बचत कुछ हो पाए, पैसों की सेविंग्स हो पाए, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि हम शायद महीने के खर्चे ही पूरे करने में। तो रितु जी की सब्जी अब से थोड़ी देर के बाद बनकर तैयार हो जाएगी और रितु जी की कुछ सहेलियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं, वो भी गृहणियां हैं और उनकी भी बहुत सारी नाराजगी है सरकार से और वो अपनी बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचाना चाह रही है, उनको कुछ सुझाव भी ये महिलाएं देंगी। बहुत उम्मीद है, हमारी इस बार वित्त मंत्री महिला है और इसके पहले ये रक्षा मंत्री भी थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम में। हम चाहेंगे इस टाइम भी ये बहुत अच्छा काम करें, हम लोगों के लिए कुछ सोच के काम करें, हम गृहिणियों के लिए, क्योंकि घर का पूरा डामाडोल गृहिणी के बजट गड़बड़ होने से हो जाता है। जैसे ही अगर बजट गड़बड़ हुआ तो आप समझ लीजिए कि वो पूरा इफेक्ट हमारी पूरी फैमिली पे पड़ता है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे तो एक महीने का बजट पूरा फिक्स है और आपको वो बजट 30 दिन तक चलाना है एक महीने। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी तो फिक्स सैलरी है तो सब कुछ फिक्स है, तो वो जरा भी ऊपर नीचे होता है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे किचन और हमारे हेल्थ पे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहले रक्षा मंत्री थी तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा काम किया था और इसीलिए इनकी उम्मीदें ज्यादा हैं कि अब वित्त मंत्री जब बन गई हैं और रसोई का काम, रसोई में क्या क्या चीजें लगती हैं, कितनी महंगी होती हैं, इनका ख्याल उनको बेहतर होगा। रसोई की चीजों में क्या चाहती है कि कितनी कमी होनी चाहिए, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए 5 तारीख के बाद? हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए, जैसे हमारी सब्जियां हैं ये रोजमर्रा की जरूरत है, इसमें कभी कभी टमाटर इस समय जैसे 60 तो प्याज है 50 है 40 है 25 है, मतलब कहने का मन मानी जो जिसको रेट समझ में आता है लगा ले रहा है, वो हमारे बजट पे बहुत फर्क पड़ता है उससे। गृहिणी भी हमारे साथ है, उनको जाना है कहीं जल्दी, लेकिन हमने रोक के रखा हुआ है कि ताकि इनकी बात भी वित्त मंत्री तक पहुंचे, बहुत जरूरी है, हर एक गृहिणी की बात उन तक पहुंचनी चाहिए। क्या कितनी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से? उम्मीदें काफी है, उन्होंने पहले भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी प्राउड दैट अ वुमन इज हियर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। एक सजेशन जो मेरी तरफ से थोड़ा सा एक छोटा सा है, जैसे आपने दिल्ली में फीमेल्स के लिए मेट्रो राइड फ्री करी है, नॉट फ्री, अगर थोड़ा फीमेल्स को कंसेशन दिया जाए ट्रैवलिंग में थ्रू आउट इंडिया, दैट वुड बी अ वेरी गुड प्रिविलेज फॉर अस। महिलाओं के लिए आप रसोई से बाहर हट के बोल रही हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा इंतजाम तो होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि अब महिला वित्त मंत्री बन गई हैं तो उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, महिला सुरक्षा को लेकर भी आप कह रहे हैं, महिला सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। जो बिल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे चाइल्ड रेप के अगेंस्ट स्ट्रांग बिल आया है, उसी तरह ये फीमेल्स के अगेंस्ट जो आपके वायलेंस है उसकी भी कैटेगरी जो है वो वाइडन करनी चाहिए, उसका स्कोप बढ़ाना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी को दोबारा उनको चेक करना चाहिए कहाँ तक जा रही है, उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट हो सकता है, एंड द लॉज है वो स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, उसमें लूपहोल्स उनको क्लोज करने चाहिए। महिला सुरक्षा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, महिला सुरक्षा को लेकर महिला वित्त मंत्री को ख्याल रखना होगा, कुछ सख्त उनको आगे प्रावधान लाने होंगे जिससे महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होते हैं, जो तमाम घटनाएं सामने आती है वो कम हो। जी मेरा मुद्दा थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है जो वित्त मंत्री लेडीज़ आई हैं इनको थोड़ा हम लोगों के बारे में समझना चाहिए और थोड़ा हम अपने बच्चों के बारे में, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे पास आकस्मिक आ जाती हैं उससे हमारा बजट एकदम डामकडोल हो जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा हुआ इनमें ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा को लेकर गवर्नमेंट तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी फीस लेते हैं, उनके डीलर्स अलग होते हैं,
हैं, ड्रेस आप जहाँ से लेंगे वहाँ आपको कंसेशन नहीं होना है, बिल्कुल उनका फिक्स प्राइस है, तो उससे भी हमारा बजट गड़बड़ाता है। स्वास्थ्य को लेकर ये है कि आकस्मिक समस्या है, ये कभी भी आ जाती है, तो इसमें हमें सेवा फ्री करनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उन्हें फ्री करनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए महिलाओं के लिए। जी महिलाओं क्या एवरीबडी सभी के लिए, सभी के बच्चे हों बड़े हों बूढ़े हों सबके लिए ये जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसमें हमें ये पता नहीं होता है कि हमारी कितने इनकम चली जाएगी, कितने हम जो सेविंग किए हुए हैं वो हमारे स्वास्थ्य में चली जाती है, तो इसलिए स्वास्थ्य एक बहुत ही मूलभूत हम लोगों की आवश्यकता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें सुधार किया जाए, दवाएं थोड़ी फ्री की जाएं। किचन को लेकर कितनी उम्मीद है आपको, किचन में चीजें महंगी हो गई हैं मोदी सरकार आने के बाद या फिर चीजें नियंत्रण में है? नहीं नहीं नियंत्रण में तो बिल्कुल नहीं है, गैस देखिए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इधर बीच कुछ थोड़ी सी सस्ती हुई है पर उससे कुछ खास हम लोगों का बजट नहीं सही चल रहा है। सब्जियां देखिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, दाल जो हम लोग 60-55 रुपए में एक किलो खरीदते थे वही दाल अब हम खरीद रहे हैं 100 रुपीज 1 kg, तो अब किचन की व्यवस्था तो हम लोग की गड़बड़ा ही जाती है। दाल के दाम जो है वो कम होने चाहिए क्योंकि जो 55-50 में मिलती थी वो 100-150 के पार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल कम होनी चाहिए क्योंकि दाल ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने के में रोज आप रेगुलर उसको इस्तेमाल करते हैं, दाल है सब्जी है ये रेगुलर चीज़ें हैं, इन पे तो एक उनका एक होना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सिर्फ फिर भी मिडिल क्लास हैं, जो थोड़े से और निम्न स्तर के लोग हैं वो क्या करेंगे, आप कैसे उनको एक अच्छा खाना देंगे, तो वो तो आपको करना चाहिए। क्लास के तो दिक्कत होती ही है, साथ में जो लोअर क्लास के लोग हैं जो मिडिल क्लास से नीचे आते हैं जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, और खास तौर पर जब महिला वित्त मंत्री बनी है तो उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंतज़ार था आपको महिला वित्त मंत्री के आने का, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी देखने को मिला नहीं इतने सालों में? नहीं बहुत अच्छा लगा, मतलब सुन के ऐसा लगा जैसे अब शायद हमारी सुनवाई होगी, कोई हमें सुने, महिलाओं की सुनी जाएगी क्योंकि वो भी महिला हैं, वो भी खाना जरूर कभी ना कभी बनाई होगी, उन्हें कितना पता होगा कि कितना मुश्किल से हम अपने किचन को संभालते हैं, कितना सब्जियों की जरूरत पड़ती है, कितने दाल चाहिए, रेगुलर क्या बनता है। बिल्कुल बिल्कुल वो सारी चीज़ें उनको भी पता है, तो उनको पता है कि हम इसमें कहीं से भी कटौती नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कहीं से भी कुछ भी कम नहीं कर सकते, ये आपको उतना ही मैनेज करना है, हर रोज करना है। तो कितना मुश्किल है क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कितना मुश्किल है अपने बजट को कंट्रोल में रखना जब सारी चीज़ें महंगी हों आपके आसपास, कितना आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक बजट को संभालने के लिए? बिल्कुल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप ये देखो ना हर चीज़ महंगा है, आप किचन ले लो हमारा, आप ट्रेवल ले लो, आप स्कूल ले लो, आप चिकित्सा ले लो, मेडिकल फैसिलिटी ले लो, सब कुछ बहुत महंगा है और हर जगह से हमको हमारी जेब कटती ही है, चाहे वो आपने GST कर दिया सब कर दिया लेकिन फिर भी उसका जो इफेक्ट है ना वो हमें हमारे माइनस पॉइंट में ही है, प्लस बचत नहीं हो पाता, बचता कुछ भी नहीं है, खर्च होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो उनको लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि। और चलिए जब महिलाओं की बात हो ही रही है, किचन की बात हम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक्स पे आ जाते हैं, उस पर कितना कुछ कम करना होगा महिला वित्त मंत्री को, कितना ख्याल रखना पड़ेगा? महिला वित्त मंत्री चूंकि लेडीज हैं तो वो भी कॉस्मेटिक आइटम जरूर यूज करती होंगी तो हमारा मानना है कि उस पर जितना हो सके उन्हें लगाम कसनी चाहिए और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको कम रेट में देना चाहिए, टैक्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान है क्योंकि हम लोग किचन में ही सिमट के नहीं रह सकते, हम लोगों को भी अपनी ब्यूटी को किचन के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए कॉस्मेटिक आइटम्स में टैक्स कम करें और हमें भी सजने संवरने का मौका दें किचन से निकल कर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, एक महीने में थक जाती है महिलाएं, और थोड़ा सा किटी पार्टी के लिए भी उनको सजने संवरने का मौका देना चाहिए, और उसके लिए अच्छा यही होगा कि कॉस्मेटिक्स के जो आइटम्स हैं उनमें कमी हो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सजने संवरने के लिए महिलाओं को 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ता है, आप ब्रांड कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, हम छोटे छोटे आजकल तो हर चीज़ ब्रांड ही समेट के रखा हुआ है, तो आप एक नॉर्मल लिपस्टिक लेने जाइए वो आपको 700 से 1200 और ऊपर ही मिलेगी, तो नेचुरल है, हर चीज़ में है, हर जगह आप ये देखो कि कहीं भी कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़
कम हुई है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, समय के संग हर चीज़ का रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं एक और अपना पर्सनल आपसे कहना चाहूँगी कि मैं एक और चीज़ चाहती हूँ निर्मला जी से, कि वो जो जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, मैं उसके लिए स्पेशली कहना चाहूँगी क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिली, मैं कैंसर हॉस्पिटल्स में भी कई बार गई हूँ, वहाँ पर जो मेडिसिन हैं वो हमारी जान बचाने वाली मेडिसिन है, और उस पर तो इतना कम होना चाहिए, इतना कम टैक्स लगना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो वो अगर आप फ्री कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी और इतना ये महंगा इलाज है इसका कि नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब एक आप साधारण परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। रसोई इतना आसान काम नहीं है, किचन को संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर के बुजुर्गों को संभालना, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी सुझाव अगर निर्मला सीतारमण को दे सकती हैं, क्योंकि 5 तारीख आने में वक्त है और 5 तारीख तक हो सके निर्मला सीतारमण आपको देखे और आपके सुझाव को शामिल कर ले। जी जी, जैसे हम लोग अभी तक बातचीत कर रहे थे कि घर की साग सब्जी से लेके दाल से लेके चीनी से लेके हर चीज की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक चीज बहुत जरूरी ये भी ध्यान देने की है कि ये सारी चीजें जो महंगाई है वो डायरेक्टली तो हम पे असर डाल ही रही है, इनडायरेक्टली भी ये भी होता है कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले, चाहे वो हमारी मेड हो, चाहे हमारे बच्चों के स्कूल के वैन ड्राइवर्स हो, जब ये खर्चे बढ़ते हैं तो नेचुरल बात है कि वो लोग भी अपनी जो भी उनकी सैलरी है या जो भी है वो बढ़ा देते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। मतलब ये चीजें तो हमारी खर्चे एक्स्ट्रा हो ही रहे हैं इन सब चीजों के पीछे, प्लस उन लोग का भी हमें एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए भी वही खर्चे, वही सब्जियां उनके लिए भी उतनी महंगी हो रही, तो नेचुरल बात है हमें वो सारी चीजें बढ़ानी पड़ती, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज जो एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि निर्मला जी को या सरकार को ये चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो गोल्ड के जो प्राइसेस है, स्पेशली आप लेडीज और महिलाओं की जब बातचीत कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हम सभी को कितना ज्यादा प्यारा होता है गोल्ड, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद, और जो पुरुष है घर के वो इसलिए भी परेशान रहते हैं क्योंकि महिलाएं लगातार ये कहते रहते हैं अपने पति देव से, अपने हस्बैंड से कि मुझे गोल्ड का ये चाहिए, मुझे गोल्ड का वो चाहिए, और गोल्ड पर लगाम लगाना, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और गोल्ड पर लगाम लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है निर्मला से। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने बचपन में जो ध्यान है कि जो हमारी मतलब मदर्स होती थी तो हम मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल होता था गोल्ड खरीदना, सोना खरीदना या फेस्टिवल्स पे खरीदा जाता था, बट आज के टाइम में इतना ज्यादा रेट बढ़ चुका है कि सोचना पड़ता है, अगर हमें साल में भी एक बार लेना होता है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है कि हमें गोल्ड खरीदना है, तो इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि ये जो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए गोल्ड की प्राइसेस को। और दूसरी चीज ये है कि हाँ नेचुरल बात है एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा, और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट से, निर्मला जी से एक्सपेक्टेशन है क्योंकि जनता ने दोबारा से विश्वास जगाया है उन पर और फिर से उनको वापस से प्रधानमंत्री चुना है, तो जरूर से हमारा विश्वास है, और शायद हम लोग भी कहीं ना कहीं जैसे चाहे टैक्सेस को लेकर ये सारी चीजें हैं, ये हम समझते हैं कि हाँ तुरंत तुरंत इन चीजों का फर्क जो है हमें नहीं दिखता है, लेकिन हम फिर भी लोगों ने संयम रखा है, पेशेंस रखा है और फिर से उनको इलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर इसलिए, ताकि क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी या जो भी सरकार है या फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है वो जो भी कदम उठा रही है वो हमारे हित के लिए उठा रही है, वो कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है आगे, तो हमारा बस यही मिलाकर जनता ने अगर भरोसा किया है तो आपको भरोसे पर खरे उतरना होगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इतनी सारे मतलब हर क्लास के लोगों ने आपको वोट करके फिर से दोबारा से है, तो नेचुरल बात है कि कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि हाँ अभी तक शायद किसी भी सरकार से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना कि इस सरकार से है, फाइनेंस मिनिस्टर से है और हमारे प्राइम मिनिस्टर से है, तो हम जरूर से ये चाहते हैं कि हाँ जब हमने इतना मतलब पेशेंस रख के आपको दोबारा से इलेक्ट किया है तो जरूर से आपको भी जनता की और अलग अलग सेगमेंट चाहे वो सैलरीड क्लास हो चाहे नॉर्मल मिडिल क्लास हो सबका मतलब जरूर तक। आखिरी सवाल आपका महिला सुझाव आपका निर्मला सीतारमण से, और क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हैं बजट से? मैं निर्मला जी से बस एक मेरा सबसे मेन जो उनसे एक उम्मीद है कि वो जैसे उन्होंने लास्ट ईयर हम लोगों को एक बहुत अच्छा हर चीज़ बहुत अच्छा करके दिया, वो इस बार भी हमें मिलेगा, फिर वो चाहे हमारी रसोई हो, हमारा स्कूल हो, हमारा मेडिसिन हो, कुछ भी हो, A to Z हर उसमें हर बंदे को यहाँ पे जो भी है वो चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, महंगाई की मार हर किसी को परेशान कर रही है, फिर वो चाहे हम लोगों का फेवरेट ज्वेलरी ही क्यों ना हो, मेकअप ही क्यों ना हो, वो हर चीज़। उम्मीद आपको और 5 तारीख बहुत करीब? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम लोगों की उम्मीद कामयाब भी होगी। आखिरी सुझाव उनको क्या आप देना? आखिरी सुझाव ये है कि हम लोगों की जो रसोई गैस है ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इसमें दिन ब दिन तेजी से वृद्धि होती जा रही है इसके रेट में, तो इसको
कंट्रोल किया जाए, नहीं ज़्यादा किया जाए तो 500 तक तो किया ही जा सकता है, क्योंकि इससे हमारा पूरा किचन रिलेटेड है और इससे पूरा बजट हमारा गड़बड़ा जाता है। रसोई गैस पर भी नियंत्रण लगाना होगा, क्योंकि किचन का पूरा हाल आपने देखा, रसोई गैस हो, सब्जियां हो, दाल हो, या फिर कुछ भी सामान जो किचन में इस्तेमाल होता है, जो किचन के लिए ज़रूरी है, जो एक महिला गृहिणी को वो पूरा करना है, एक गृहिणी के लिए जो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस बार का बजट कैसा हो, मैं हमने आपको महिलाओं की राय सुनाई, महिलाओं के सुझाव जो वित्त मंत्री को महिलाएं देना चाहती हैं, और महिलाओं के सुझाव के आधार पर अब वित्त मंत्री अपना बजट किस कदर पेश करती हैं, बजट में क्या कुछ खास होगा, इसके लिए मैं 5 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 5 जुलाई वो तारीख जब निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से निकालेंगे बजट, और बजट में क्या सहूलियत होगी महिलाओं के लिए, देश के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।